उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सी ब्लॉक दिलसाद गार्डन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सादरा जिला के पूर्व डीएम अभिषेक सिंह और उनकी पत्नी दुर्गा नागपाल के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फिल्मी दुनिया के जाने माने अभिनेता एवं पंजाब के गुरदासपुर सांसद सनी देओल मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल की बड़ी क्लास की छात्राओं को मासिक धर्म को लेकर जागरूक करना था और उनके अंदर इसको लेकर फैली कुरीतियों को दूर करना तथा मासिक धर्म के समय सावधानियां आदि के प्रति जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक एवं योगा के माध्यम से मासिक धर्म के बारे में उपस्थित स्कूल के छात्र छात्राओं और उनके अध्यापिकाओं को जागरूक किया गया। अब खुद अभिनेता एवं सांसद सनी देओल, पूर्व सादरा डीएम अभिषेक सिंह और उनकी पत्नी दुर्गा नागपाल ने अन्य अतिथियों के साथ मिलकर स्कूल की छात्राओं को पैड भी वितरित किए। बहुत अच्छा लगा और जो अभिषेक और उनकी वाइफ कर रही हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने इनके बारे में पढ़ा कि इन्होंने पहले पंगा लिया था एक बार और जब अभी आके देख रहा हूँ तो मुझे बहुत छोटी लग रही है और जिस तरह से इन्होंने अडॉप्ट किया है बच्चों को, मैं चाहूँगा हर आदमी जहाँ पर भी है जिसका दिल करता है कि वो बच्चों का भविष्य अच्छा बनाए, वो ज़रूर कुछ ना तो कुछ ज़रूर साथ में जुड़े और बच्चों को कितने जैसे पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ पर बहुत ज़रूरत है, वही मैं कह रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी नाइस। फुल स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है कि सनी जी यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस कैंप था, बच्चों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करें उसके लिए, सो उसमें हमने कई लोगों का स्पेशलिस्ट को बुलाया था जो इसके बारे में जानकारी दे रहा था बच्चों को। जी था फिर कुछ हमने कोशिश की है, यहाँ पे बाउंड्री वॉल रिपेयर कराई हमने, यहाँ पे हमने स्मार्ट क्लास इंस्टॉल कराई हमने, यहाँ पे कंप्यूटर्स कुछ ख़राब थे वो ठीक कराए, इलेक्ट्रिसिटी का काम कराया, प्लेग्राउंड रिपेयर करा रहे हैं, तो सब कुछ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हो रहा है। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो सब लोग कर रहे हैं, सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, कम्युनिटी साथ में जुड़ रही है, सबको लग रहा है कि सब उनका सबका स्कूल है। आज का कार्यक्रम बेसिकली बाल दिवस पे होना था 14 तारीख को, हमने सोचा था कि बाल दिवस पे बच्चों के लिए कुछ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे हमें करना चाहिए बड़ी लड़कियों के लिए 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा के लिए, लेकिन सनी देओल जी 14 तारीख को अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए फिर हमने इसको 18 तारीख को आज रखा। प्लस स्कूल भी बंद हो गए थे पोल्यूशन की वजह से, तो आज का दिन बहुत ही शुभ अवसर था कि आज वातावरण भी अच्छा है, बच्चे भी एकदम चार्ज्ड अप हैं और सनी देओल जी भी अवेलेबल थे, उनका आना बहुत अच्छा रहा। उन्होंने खुद अपने हाथों से बच्चों को मेंस्ट्रुअल किट डिस्ट्रीब्यूट किया और बच्चों को इनकरेज किया, कुछ अपनी बातें बताई और उन्होंने तो ये तक कहा कि उनका मन कर रहा है कि बच्चों के बीच में बैठ जाएं वापस ही ना जाएं। ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने जो लड़कियां हैं उनको हम प्रोत्साहित करें कि वो अपना अपनी जो लाइफ है वो नॉर्मली जिए ड्यूरिंग देयर पीरियड्स ऑल्सो एंड दे डोंट हैव टू कंसिडर देमसेल्फ अलूफ ड्यूरिंग द पीरियड्स टाइम। यहाँ पे काफ़ी बच्चियाँ थी जिन्होंने कहा कि वो जब पीरियड्स होते हैं तब वो छुट्टी लेती है, तो हमें उनको ये बताना है कि जब अगर पीरियड्स के मोस्टली वो छुट्टी इसलिए लेती है क्योंकि उन्हें दर्द होता है, तो हमने यहाँ पे एक सेशन रखा था जहाँ पे योगा में बताया गया कि पीरियड्स के ड्यूरेशन में हम कैसे अपने दर्द को कम कर सकते हैं, तो और भी काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे बच्चों को बताई। और सनी देओल जी आए थे तो उन्होंने बच्चों को अपने पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, उनको प्रोत्साहित किया कि आप अपना ध्यान रखिए और बच्चे मजे कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से फिल्मी दुनिया के सरताज और गुरदासपुर पंजाब के सांसद सनी देओल मंच के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सामने बैठी स्कूल की छात्राएं जो कि सनी देओल को अपने बीच में पाकर बहुत खुश हुई। लड़कियों का कहना है कि जिसको आज तक हम फिल्मों के माध्यम से देखते आए थे वह आज हमारे बीच में हमारा उत्साहवर्धन करने पहुँचे हैं, इसे देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साथ ही मासिक धर्म के ऊपर लड़कियों ने बताया कि दुर्गा नागपाल मैडम का हम बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने मासिक धर्म पर पैड बांटकर और हमारे बीच में इतना बड़ा स्टार बुलाकर हमारा उत्साहवर्धन किया। यहाँ पर आके महामारी के लिए बताया और हमने उससे काफ़ी कुछ सीखा और पैड भी इन्होंने वितरण किए और हमें इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, हमें आगे के लिए सारी नॉलेज आ गई है और हमें पता चल गया महामारी के समय कैसे क्या करना चाहिए। और सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, उन्हें पहली बार लाइव देखा
और काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी कुछ दिखाया, नुक्कड़ नाटक दिखाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई कि हमें क्या क्या करना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे। कार्यक्रम आयोजक दुर्गा नागपाल की माने तो जब सादरा जिले में अभिषेक सिंह डीएम थे तब वे उनके साथ आई थी और तभी से इस स्कूल की छात्राओं को एडॉप्ट कर लिया था और तभी से इस स्कूल की छात्राओं को एडॉप्ट कर इस तरह के आयोजन कर रही हैं। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।